है। कांग्रेस की सूची को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, आज फिर कांग्रेस की एक और सूची जारी हो सकती है। कल कांग्रेस ने जिस तरह से 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया था, कांग्रेस के कुल 41 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। गठबंधन पर भी स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। हालांकि बात की जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से मिलकर चुनाव लड़ा था, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कुछ सीटों पर बढ़त भी हासिल की थी, लेकिन अब स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी आज ही, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी यानी कि दीपक बाबरिया की तरफ से भी कहा गया था, वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग भी हुई थी इस विषय पर, सीसी की जब बैठक हुई थी तब भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने इस विषय को लेकर चर्चा की थी और उसके बाद भी इस विषय पर चर्चा हुई। दीपक बाबरिया और राघव चड्ढा के बीच जो मुलाकात हुई थी, इसी विषय पर बातचीत की गई थी। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस की एक और सूची तो जारी होगी ही, साथ ही साथ गठबंधन पर भी आज जो है स्थिति साफ हो जाएगी। 41 उम्मीदवारों की जो घोषणा है कांग्रेस पहले ही कर चुकी है, कल जिस तरह से 9 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस ने की थी, तो कांग्रेस की सूची को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज फिर से कांग्रेस की एक और सूची जारी की जाएगी। बाकी बचे हुए उम्मीदवारों का ऐलान जो है आज किया जा सकता है। तो गठबंधन पर भी स्थिति जो है साफ होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं, देखने वाली बात होगी, क्योंकि बाकी जो उम्मीदवार बचे हुए हैं उनका ऐलान भी संभव है, और क्योंकि आप भी जानते हैं कांग्रेस किस तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, और पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है और चुनावी समय चल रहा है। और इस बीच आपको ये बता दें कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जब 28 सिटिंग विधायकों की घोषणा जो है यहां पर की गई थी, 32 उम्मीदवारों की सूचना जो है सूची जो है वो दी गई थी, यानी कि जो पहली सूची है उसमें 28 ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिन पर दोबारा से भरोसा जताया गया है। कुल मिलाकर 32 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी, 31 की पहले की गई थी और उसके बाद एक उम्मीदवार की जो सूची है वो बाद में जारी की गई थी, तो दो सूची अभी तक कांग्रेस द्वारा जारी कर दी गई है और कुल मिलाकर 41 उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस कर चुकी है। बाकी जो बचे हुए हैं नाम उन पर भी स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। गठबंधन पर भी कहा जा रहा है कि स्थिति साफ हो जाएगी जल्द। और विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रवि, देखिए कांग्रेस की सूची एक तो कल जिस प्रकार से कल रात को जारी की गई वो दूसरी सूची थी जिसमें 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था, अभी तीसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए तीसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है, जो है वो जारी की कांग्रेस कर सकते हैं। करीब 41 सूची है कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है, बाकी बचे हुए नामों को लेकर आज चर्चा हो सकती है, इसके साथ साथ गठबंधन को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है। गठबंधन अगर पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता है, गठबंधन अगर होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को गठबंधन के लिए सीटें जो है वो छोड़नी पड़ेंगी। उसके अलावा तमाम जो सीटें हैं उनमें से भी कई बारी जो सीटें हैं वो डिक्लेयर जो है वो कांग्रेस कर सकती है। अंतिम सूची की अगर बात की जाए तो 11 तारीख तक आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। देखना होगा कि कांग्रेस आज कितनी लोगों के नाम की जो सूची है वो जारी करती है, कितने कैंडिडेट्स मैदान में आज उतारती है। हालांकि कल देर रात करीब 9 जो उम्मीदवार है उनके नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया था और ऐसे में कहीं ना कहीं 32 नाम जो है पहली सूची में जारी किए गए थे। कुल मिलाकर 41 नामों को कांग्रेस की तरफ से जारी कर दिए गए। बिल्कुल रवि, देखिए क्या गठबंधन पर भी स्थिति जो है वो साफ हो सकती है, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? बिल्कुल, देखिए गठबंधन पर स्थिति साफ हो सकती है। गठबंधन को लेकर अगर बात की जाए तो करीब 5 सीटों पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कुछ भी जानकारी जो है ना कांग्रेस की तरफ से दी गई ना आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई, लेकिन माना यही जा रहा है कि 5 सीटों को लेकर गठबंधन जो है वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहा है। गठबंधन पर सहमति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि कब तक ऑफिशियली जानकारी इस गठबंधन वाले फैसले को लेकर जारी की जाती है। चलिए रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया।